विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। एक दूसरे को मात देने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से एक से बढ़कर एक तीर छोड़े जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए उनसे संवाद कायम किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरे दमखम से तैयारी में लगी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। आपको बता दें कि मुरादाबाद में भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी होटल में भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संवाद करते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब से छोटे थे लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहा ये ठीक नहीं, इसलिए हमने एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट शुरू किया है। साथ ही कहा कि माँ गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। हमारी धरती माता बर्बाद ना हो इसके लिए केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे। किसानों के लिए सोलर पंप का बजट भी तैयार हो रहा है जिससे किसानों को फायदा होगा। बताया गया कि आने वाले समय में नैनो फर्टिलाइजर नई योजना ला रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ऑनलाइन ट्रांसफर आदि सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही कहा कि आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है। बहुत जल्द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी चालू होगी। 5G सर्विस युवाओं को नए अवसर प्रदान करेगी।